एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपको थंबनेल देख के पता तो लग ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ शादी में। अभी मुझे क्या करना है, मैंने सारा का सारा काम तो कंप्लीट कर दिया है, पर अभी मुझे क्या करना है, फटाफट से तैयार होना है। अभी मैं ऐसी लग रही हूँ, मेरे बालों में अनियन ऑयल लगाया था, अनियन ऑयल क्या वाटर ही समझो, उसका मैंने रस निकाला, वो लगाया बालों में, और अभी मेरे बाल बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। अब मैंने इनको वॉश करना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगी मैं, ठीक है? सो या, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, और हमने जाना है बिलासपुर यहाँ से, शिमला से, और मैं जा रही हूँ, पारुल जा रही है, और मितुल जा रहा है, हम तीनों के तीनों जा रहे हैं, शायद पारुल की सिस्टर भी जा रही है, पलक। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और आपको कैसा लगा मेरा मेकओवर ये भी बताना। मैंने अपने बाल कर्ल किए हैं आज, और वैसे मैं साइड चीर निकालती हूँ हमेशा, आज मैंने सेंटर पार्टीशन की है। तो चलो अब चलते हैं, व्लॉग तो शुरू हो ही चुका है, और आज हम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, और हम सभी फ्रेंड्स जा रहे हैं, और जब भी हम सारे के सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खप्पे करते करते जाते हैं, मतलब मज़ा आता है, मुझे भी खुद को मज़ा आता है, तो आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, और मेरे पास बैग पता है कितने सारे हैं, ये देखो दो बैग्स हैं, पारुल को कॉल आ रहा है। अब जाके मैं निकली हूँ घर से, और काफ़ी अच्छा मौसम था आज, बस थोड़े थोड़े बादल थे, और मैं और मृदुल जाएंगे सीधा घनाटी, वहाँ से पारुल और पलक मिलेंगे हमें। तो हमारा सफ़र तो शिमला से ही शुरू हो गया था, पर असली सफ़र, दोस्तों वाला सफ़र हमारा होगा शुरू झुंडला से, घनाटी से आगे। यहाँ पर है मृदुल, आज ये वैसे ही बन गया है जैसा ये कल बन गया था, और अभी हमें मिलेगी पारुल घनाटी में, पारुल और पलक, और हम निकल चुके हैं। अभी तो एक बज चुका है, और हमारे को एक यही बज गया, पता नहीं कैसे भटकते भटकते जाएंगे हम लोग। और आज बहुत क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम है, धूप भी लगी है बीच बीच में, पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, बिल्कुल क्लियर मौसम नहीं है, ऐसा बोला है, वैसे भी वेदर ख़राब बोला था आज के लिए। तो चलो चलते हैं और पारुल वगैरह से मिलवाते हैं, आज कैसी लग रही है वो, आई एम एक्साइटेड। हम लोग पहुँच चुके हैं पारुल के घर, और अभी बस पारुल का और पारुल की बहन का इंतज़ार हो रहा है, पर वो लोग हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे कहीं। पारुल आ चुकी है यहाँ पर, हेलो पारुल, आज पारुल बहुत सुंदर लग रही है, पर इसका पाँव कट चुका है, इसके साथ हुआ दर्द भरा हादसा, बेचारी का पाँव कट चुका है, इनसे पारुल बहुत लग रहा है मुझे, बस अभी जूते निकाल, जूते लाइए। पारुल कुछ गाना ही सुना दे, गाना ही सुना दे। चुके हैं दाड़ला घाट, और मैं पारुल को बता रही हूँ कि ये है मेरा गांव, यहाँ से ऊपर को जाते हैं हम, पीछे से मैंने बताया पारुल को, और यहाँ पर अब देखते हैं कुछ मिलेगा पारुल के लायक, क्योंकि पारुल ने ऑर्डर किया था कुछ और वो नहीं पहुँचा टाइम से, तो अब देखते हैं क्या मिलता है पारुल को, मिल पाता है कि नहीं कुछ कुर्ता टाइप। मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा पारुल अभी यहाँ पर, ये भी नहीं है, रुक जा, नहीं है, पारुल का पाँव घायल हो गया है और इसने बैंडेज लगाई है अभी। पर क्या खाना पसंद करोगे आप? और यहाँ पर हमें हमारा फ्रेंड मिला है टफी, नदी किनारे हम कर रहे हैं लंच, चमाकड़ी पुल पहुँचे हैं हम अभी तक, और यहाँ है ऊपर अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री, पर वो दिखाई नहीं दे रही अभी यहाँ से, यहाँ है। हमारे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए हम रुक गए हैं चमाकड़ी पुल के पास, और पलक भी है यहाँ पर। क्या मंगवाया तुम लोगों ने ऑर्डर, क्या किया? चार खाना खा ले मृदुल, यार डोर बंद कर दे उसको। हमारा खाना आ चुका है, सबने थाली ऑर्डर की है। पलक को खाने है, और राजमा की दीवानी, कैसी है? मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, दाल तो अजीब सी है, अच्छा है दाल, अजीब सी सच में। अच्छा है। खाना खत्म और पेट फुल, क्यों पारुल? खाना खत्म होता हुआ क्या 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 बोला? खाना खत्म, पैसा खत्म। हाँ, खाना क्योंकि इतना टेस्टी बना था, बिल्कुल मतलब पैसा नहीं चुभता अगर इतना अच्छा खाना मिल जाए, है ना पारुल?
मृदुल आप कुछ कहेंगे राजमा के बारे में? हर कुछ। और पलक आप? अरे चाय पी रहे। ओ माय, पलक तू तो रहने दे आना, रहने दे इसको। ये देख, ये देख इसको, पलक को। मैं दिखा, मैं तो और वाइट दिखा। हम चाय पी रहे हैं, पल दिखा दे अपनी चाय, चाय की चुस्कियां। आप भी एक चाय की प्यानी लीजिए। आ हा हा, समोसे का लुत्फ उठाते हुए। ये सेल्फी नहीं, वीडियो बन रही है और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ यहाँ से। हमारी पेट पूजा तो हो गई, अब हम निकल चुके हैं फिर से सफर में। हमें रास्ता पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ तो फिर अभी हमें पता नहीं है कि रास्ता कहाँ से जाएगा। अभी हम पहुंचे चमाकड़ी पुल से, एक मोड़ आगे अभी निकले हम, और देखते हैं कितना भटकते भटकते पहुंचेंगे हम लोग शादी के घर तक। वैसे तो हमें हमारा एक और क्लासमेट मिलेगा, वो हमें रास्ता बताएगा, उसको बताया रास्ता। अभी हम चारों तो निकल चुके हैं अपनी फुल एंजॉयमेंट ट्रिप में, और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। पेट पूजा भी हो गई, अब हमारी फुल हम चार्ज हो गए हैं। अब हम चलते हैं, कहाँ पहुँचेंगे वैसे अभी हम? पेट्रोल पंप। पार्ल को तो एक ही नाम याद हो गया, चमाकड़ी पुल करते हैं क्रॉस। अब जा रहे शॉपिंग करने के लिए ट्रेंड्स में, और बिलासपुर में है ट्रेंड्स। अब देखते हैं कैसा सा मटेरियल मिलेगा, क्योंकि पारुल ने कुछ भी नहीं लाई है, पारुल शादी में पहनने के लिए, इसलिए आज देखते हैं पारुल क्या शॉपिंग करती है। हमने शॉपिंग तो कर ली, पर क्या करें, हम लड़कियां ऐसी ही होती हैं, हमें जहाँ पर अच्छी सी लोकेशन दिख जाए हम फ़ोटोज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पर बिलासपुर में, और ये पीछे इतनी अच्छी पेंटिंग की हुई थी, हमने पूरा मॉल घूमा और हमने काफ़ी इंजॉय किया। पारुल को फ्रॉक भी मिल गई। कैसा लगा आपको शॉपिंग करके पारुल? बहुत अच्छा। पारुल को वो चीज़ जब मिल जाती है जो उसको पसंद हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और हमारे टीम मेट चले गए हमारे को छोड़ के। हमारे पास लोकेशन आ चुकी है, और लोकेशन को देखते के हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ शादी है हमने वहीं पहुँचना है। और अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे पुल भी आएगा, ये दो पुल आएंगे, एक तो ये वाला पुल था और एक इससे नेक्स्ट वाला पुल जो आएगा वो सबसे लंबा, मतलब सबसे ऊंचा पुल बताया गया है शायद एशिया का, ऐसी हम लोग बातें कर रहे थे। और ये वाला तो तब भी बिल्कुल, मतलब इसके बारे पर इतनी जाली यानी इतनी सेफ्टी नहीं है, पर आगे वाले में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, वहाँ से सुसाइड करते थे लोग, इस वजह से उन्होंने सेफ्टी कर रखी है। अभी टाइम हो रहा है 6:30, और हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम भटक गए थे पहले तो, और उसके बाद हमने दी को कॉल किया, अब हम सही रास्ते पर आए हैं, बिलासपुर पहुँच चुके हैं हम। और घूमते घूमते इतना टाइम हो गया कि 6:30 हो गया, हमारे को टाइम का पता ही नहीं लगा। अब देखते हैं कि हम पहुंच पाएंगे शादी वाले घर, पहुंच तो जाएंगे हम, हमें लोकेशन तो मिल चुकी है और लोकेशन के ज़रिए ही जा रहे हैं हम, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे ऐसे ही। ये है वो पुल, आप देख सकते हो कि कितनी सेफ्टी है यहाँ पर, दूर दूर से यहाँ पर लोग सुसाइड करने के लिए आते थे, और यहाँ पर कैमरा भी है, गाड़ी भी रोकने नहीं देते यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए।
पारुल कितना दूर है यहाँ से अभी? कितना बोल रहे थे, 10? एक घंटा और? ओ माई गॉड, पता नहीं कितने बजे पहुंच जाएंगे, 7 तो यही बज गए हमारे को। ये वाला रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बिकॉज़ यहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए थे कि आप गाड़ी मत रोकें, क्योंकि यहाँ पर चीते शेर का डर था, जंगली जानवरों का डर था। तो अब जाके हम लोग पहुँचे हैं शादी वाले घर पे। अभी हम सड़क में ही हैं, अभी शादी वाला घर ढूंढना है, तो चलो मैं आपको शादी वाला घर दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे हम खड़े हैं। सड़क से थोड़ा सा दूर था दी का घर, और यहाँ पर देखिए इतने सुंदर सुंदर खेत थे, रात को इतने सुंदर लग रहे थे, अगले दिन तो ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ बन रही है बिलासपुरी धाम, जो बहुत ज्यादा खाने में टेस्टी होती है, और सब लोग यहाँ पर मिलके डांस भी कर रहे हैं। डीजे लगा हुआ था और सब लोग, सारी की सारी लेडीज यहाँ पर मिलके डांस कर रहे थे। हमने सोचा कि अगर हम डांस करने चले गए तो हम खाना वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए सबसे पहले पेट पूजा ही कर लेते हैं। तो हम बैठ के खाना खाने के लिए, पतले हमें मिल चुकी है, मृदुल परी से हेलो कर रहा है आप लोगों को, पतले हमें मिल चुकी है। और धाम काफ़ी ज़्यादा यमी थी। आप थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ देख लीजिए, मैं फटाफट बताती हूँ आपको कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ बनाई थी। इन्होंने 5-6 सब्ज़ियाँ बनाई थी, और उनमें से सबसे ज़्यादा यमी मुझे लगा कद्दू, मीठा कद्दू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बनाया था इन्होंने। खाना खाने के बाद इतनी ठंड लगी है हमें, और हम लोग यहाँ पर अंगीठी के पास बैठ गए, अंगीठी जलाई हुई थी बाहर, और सब लोग हम मिल के यहाँ पर बैठ गए और गप्पे मार रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, और पहली सीनियर की शादी थी हमारी, और हम इसलिए एक्साइटेड थे कि हमने जाना है चाहे कहीं भी, और दीदी ने बहुत प्यार से बुलाया था हमें। और यहाँ है दीदी, अब मैं आपको बताती हूँ दीदी का डांस, दुल्हन का डांस देखो आप, और दुल्हन से भी मिल लो। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने गाना इसलिए म्यूट किया है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मुझे कॉपीराइट क्लेम आए, इस वजह से मैंने गाना बंद कर दिया है। और यहाँ हमारी दुल्हन बैठी है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही थी आज। आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। कल मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।